आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ठीक है, यानी ART में शामिल नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला GIFT तथा ZIFT, दूसरा CVS तथा IUCD, तीसरा IUI तथा ET और चौथा है अंता, ठीक है, गर्भाशय ET, यानी यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या हैं? तो इससे कह सकते हो वे जो यहाँ पर कपल होते हैं, यानी पति पत्नी बोल सकते हो, ठीक है, पति पत्नी, ठीक है, जो अधिकतर क्या होते हैं, बांझ जो होते हैं, ठीक है, इनको कह सकते हो कृत्रिम रूप से जो बच्चा चाहिए होता है, ठीक है, जिस तकनीक से इनको बच्चा मिलता है उसे को कहते हैं सहायक जनन तकनीक, यानी ART बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि GIFT, ठीक है, ZIFT, ठीक है, अभी समझेंगे क्या होता है ये सब क्या होते हैं। तो ऐसी तकनीक होती है जिसे कृत्रिम रूप से इन्हें बच्चा मिल सकता है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर, ठीक है, GIFT तथा ZIFT। तो GIFT जो होता है, जिसे हम कहते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इसमें शुक्राणु अंडाणु को मादा के जो फेलोपियन नलिका होती है वहां पर ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि निषेचन होता है। और ZIFT में क्या होता है, निषेचन के बाद, यानी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, निषेचन के बाद यहाँ पर कह सकते हो जो ब्लास्टोमियर बनता है उसको यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोनों यहाँ पर सहायक जनन प्रौद्योगिकियां का उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है CVS, यानी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कोरियोनिक विलास यहाँ पर, ठीक है, सैम्पलिंग, तो इसे यहाँ पर क्यों बोलते हैं। और दूसरा है IUCD, ठीक है, यानी इंट्रायूट्राइन, ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये जो होता है, ठीक है, ये जो गर्भ अवस्था होता है, यानी गर्भ का, ठीक है, जो गर्भ में शिशु पल्ला होता है, इसमें कह सकते हो जो अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, अनुवांशिक रोग, ठीक है, या कह सकते हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर पता लगाते हैं, मतलब गर्भ में जो बच्चा पल्ला होता है इससे। और ये जो दूसरा है, ये कह सकते हो गर्भ निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक, ठीक है, ये कह सकते हो उपकरण होता है, यानी डिवाइस होता है, जो कि यहाँ पर कह सकते हो मादा के जननांग में इसे प्लेस किया जाता है, ठीक है, गर्भ निरोधक उपकरण। तो ये हमारा क्या है, यही कह सकते हो, यहाँ पर ये गर्भ को रोकता है और यहाँ पर सहायक जनन जो प्रौद्योगिकियां होती हैं ये गर्भ धारण करते हैं, ठीक है, मतलब करवाते हैं। तो यही हमारा मतलब इसमें शामिल नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं IUI, यानी जो इंट्रायूट्राइन कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इंसेमिनेशन होता है, इसमें कह सकते हो विभिन्न प्रकार के जो कृत्रिम विधियों से इसमें गर्भाधान को कराया जाता है और एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं मादा के जननांग में। तो ये सब क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो चौथा है अंता गर्भाशयी यहाँ पर, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो जो गर्भाशय के अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कह सकते हो सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दूसरा होगा, पहला तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।